इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल सिंबल्स, जो इलेक्ट्रिकल हमारे एलिमेंट हैं उसको कैसे सिंबलाइज करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल सेल, सबसे पहले इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिक सेल, सिंपल इलेक्ट्रिक सेल को इंडिकेट करते हैं इस तरह, ठीक है। प्लस माइनस ये इंडिकेशन है, और एक बड़ी प्लेट वो पॉजिटिव है, छोटी प्लेट नेगेटिव है, बीच में स्पेस है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिकल सेल या डीसी वोल्टेज सोर्स, उसको भी इस तरह इंडिकेट करते हैं। बैटरी, बैटरी क्या है, वो टू और मोर जो इलेक्ट्रिकल सेल हैं तो उनका क्या है, एक तरह से सीरीज कनेक्शन लेके चल रहे हैं फिलहाल बैटरी के लिए, तो यहाँ पर सीरीज कनेक्शन मान लेते हैं, तो उसको इंडिकेट करते हैं इस तरह से, ठीक है। तो दो या उससे ज़्यादा सेल, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और ये सीरीज कॉम्बिनेशन ले आए, तो ये हमारी हो गई बैटरी। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का, ये नेगेटिव टर्मिनल। तो डीसी वोल्टेज सोर्स को आप, इसको भी डीसी वोल्टेज सोर्स बोल सकते हैं, क्योंकि जो बैटरी है सही है वो क्या है, सेल, उनको सेल जो हैं इलेक्ट्रिक सेल हैं उनको ही सीरीज में कनेक्ट किया है, ठीक। बल्ब या लैंप, उसको इंडिकेट करते हैं इस तरह। तो ये एक फिलामेंट की तरह, बल्ब में एक फिलामेंट होता है ना, 0 वाट का बल्ब वगैरह हो तो देखो, अब तो सब एलईडी से रिप्लेस हो गया है, एलईडी बल्ब से, ठीक है। तो इस तरह का बल्ब का साइन होता है, आप उसको इस तरह भी लेके चल सकते हो, इस तरह भी उसको बल्ब का साइन बना सकते हो। अगर बल्ब ऑन है तो उसका इंडिकेशन आप दे सकते हो इस तरह, ठीक है। बल्ब ऑन हो रहा है, लाइट निकल रही है, बल्ब ऑफ है तो ये इंडिकेशन, ठीक। इस तरह से इसको आप कर सकते हो, या आपने पावर कनेक्ट की तो बल्ब ऑन हो गया, नहीं कनेक्ट की, स्विच की अगर बता रहे हो, अब स्विच से याद आया तो स्विच भी ले लेते हैं। स्विच, उसको हमेशा ऐसे बनाते हैं, जैसे आपके घरों में स्विच है ना, जो पावर बोर्ड है, आपका फ़ैन ऑन करना होता है तो आप स्विच प्रेस करते हो, तो ये वाला स्विच है, सही है। तो स्विच है SWITCH, या इसको की बोल देते हैं, ठीक है ना। तो ये ओपन स्विच है, और इससे मिलके यहाँ पर ये क्लोज स्विच है, तो इसको प्रेस किया, ठीक है, इस पर फोर्स अप्लाई किया, ये इसके साथ कनेक्ट हुआ, तो ये क्लोज स्विच, तो ये क्लोज्ड, सही है। तो कन्फ्यूज़ मत होना, क्लोज्ड का मतलब होता है कनेक्शन करना, जब आप फैन ऑन करते हो, स्विच प्रेस करते हो, तो उसको बोलते हैं स्विच को क्लोज करना, सही है। यहाँ क्लोज करने का मतलब यहाँ बंद करना नहीं है, स्विच को अगर क्लोज कर रहे हो तो फैन ऑन होगा, या स्विच को अगर क्लोज कर रहे हो तो बल्ब ऑन होगा, ठीक है, ये ओपन, ठीक। की भी स्विच की तरह ही है, बस उसको इंडिकेट कर सकते हो इस तरह से, ठीक है। तो ये ओपन के लिए है, और अगर आपने इस की को इस तरह यहाँ पर बना दिया तो ये क्लोज, क्लोज्ड की है, ठीक है, इस तरह का है। रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस को इंडिकेट करना है इस तरह, या सिंपल इस तरह बना दो, रेसिस्टेंस लग गया, ठीक। फ्यूज, तो फ्यूज़ एक्चुअली एक वायर है ना, अगर टेम्परेचर कोई सर्टेन लिमिट से एक्सीड होता है तो वो क्या हो जाता है, वो मेल्ट हो जाता है, ठीक, वो क्या होता है, मेल्ट। तो ये वायर है, अगर एक सर्टेन लिमिट से यहाँ पर जो करंट अगर बढ़ गया तो हीट होके ये वायर मेल्ट हो जाता है, तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम होता है फ्यूज़ वायर का, ठीक है। तो ये है जब ये सर्किट में है, सर्किट काम कर रहा है, यानी क्लोज मान सकते हो, सही है। और अगर टेम्परेचर एक्सीड हुआ तो ये क्या हो गया, बर्न हो गया, बर्न हो गया तो ये डिस्कनेक्ट हो गया, इसको भी हटा सकते हो, ठीक है, इस तरह का है। अब ओपन हो गया या फ्यूज़ हो गया, फ्यूज़ जो है फ्यूज़ हो गया, ठीक है, तो इसको फ्यूज़ बोलते हैं। उसके बाद एम्पियर का बता ही चुका हूँ लास्ट लेक्चर में, ठीक है। कनेक्टिंग वायर,
सिंपल सा ये है कनेक्टिंग वायर, ठीक, या कोइल की शेप में बनाओगे तो कुछ और बन जाएगा, उसको रहने देते हैं। वायर को अगर क्रॉस कर रहे हैं, सही है, वायर क्रॉसिंग विदाउट कनेक्टिंग, विदाउट कनेक्टिंग, तो दो वायर एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं तो इस तरह बना देना है, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को ये टच नहीं कर रहे, इसका मतलब ये है सिंपल का। दो वायर अगर आपको करने पड़े तो इस तरह का, ठीक है, इस तरह का, तो ये वायर और ये वायर एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। अगर आपको दो वायर ऐसे बनाने हैं कि वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, एक वायर ये, एक वायर ये, और बीच में इस तरह का डॉट बना दो। तो अब ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को ये हमने टाइट टुगेदर किए हुए हैं, ठीक। रियो स्टेट या वेरिएबल रेसिस्टर, तो वेरिएबल रेसिस्टर या उसको बोलते हैं रियो स्टेट, ई नहीं है ना, रियो स्टेट, RHEOSTAT, रियो स्टेट। तो रियो स्टेट क्या है, आपका फैन का रेगुलेटर सुना है, फैन को रेगुलेट करते हो स्पीड बढ़ाने घटाने के लिए, वही वेरिएबल रेजिस्टर है। चाहे आप म्यूज़िक अपना कोई सॉरी म्यूज़िक सिस्टम है, उसकी आप क्या करते हो, वॉल्यूम बढ़ाते हो, तो वॉल्यूम बढ़ा रहे हो, क्या बढ़ा रहे हो उसका, उसको जब बढ़ाते हो तो आप उसका रेसिस्टेंस कम कर रहे हो, जब उसका वॉल्यूम घटा रहे हो तो रेसिस्टेंस बढ़ा रहे हो, ठीक है। तो इस तरह का होता है, तो उसका सिंबल है, ठीक है, यहाँ से तो सप्लाई मिल रही है, तो इस पे प्लस, इस पे माइनस मान लेते हैं, और यहाँ पर वो स्लाइड है, ठीक है, तो यहाँ से वो इन दो टर्मिनल से उधर आउटपुट जा रहा है। तो इसको जैसे स्लाइड व्लाइड करोगे, अगर आपने यहाँ ले लिया तो सीधा जितनी वोल्ट यहाँ पर है, सब उसको यहाँ पर 20 वोल्ट है, ठीक है, तो इसको आप स्लाइड करते हुए यहाँ पर ले गए तो मैक्सिमम वोल्ट मिलेगी इन दो टर्मिनल पर, ठीक है। इसको इधर लेके गए, हाफ में ले आए तो V/2, लास्ट में ले आए यहाँ पर तो 0 0 वोल्ट इन दो टर्मिनल पे। तो ऐसे ही सपोज करो आपने फैन कनेक्ट किया हुआ है, स्पीड बढ़ानी है आपको, तो स्पीड बढ़ानी है, इसको स्लाइड को उधर ले जाओगे, यहाँ पर लगाओगे तो स्पीड मैक्सिमम आएगी। आधी करनी है इसको इसके सेंटर में, अगर ये यूनिफॉर्म है तो इसके सेंटर में, तो वोल्टेज आधी हो जाएगी, वोल्टेज आधी हो जाएगी तो आपके फ़ैन की जो है स्पीड आधी हो जाएगी। लास्ट में ले जाओगे सबसे फ़ैन ऑफ हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह इसको इसको बोलते हैं वेरिएबल रेसिस्टर, या इसको सीधा इसका सिंबल है, ठीक, ऐसे एक रेसिस्टर जैसे बनाते हैं यहाँ पर, और इसमें एक लाइन लगा दो इस तरह की, तो ये भी वेरिएबल रेसिस्टर है, ठीक ठीक है। इसको ऐसे भी बना सकते हो, वेरिएबल रेसिस्टर, ठीक है। तो ठीक है, चलिए इसको यहीं ख़त्म करते हैं।